पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाज़त दे दी। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाज़त दे दी। पेशावर हाई कोर्ट ने गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने DGPTA से इस्तफादा किया कि अब तक एक्शन लिया गया है। DG ने अदालत को आगाह करते हुए कहा कि हमने टिकटॉक इंतजामिया से दोबारा इस मसले को उठाया है। टिकटॉक ने फोकल पर्सन भी हायर कर दिया है। फोकल पर्सन गैर अखलाकी और गैर कानूनी अपलोड चीज़ों को देखेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाज़त देते हुए रिमार्क्स देते हुए कहा कि टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर अखलाकी मवाद को ख़त्म कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अच्छा बुरे में इतफाक करे। PTA एक्शन लेगी तो लोग ऐसी वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। DGPTA ने कहा कि टिकटॉक इंतजामिया से बात की है, बार बार ऐसी गलती आई तो ID ब्लॉक होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह वन टाइम होना चाहिए, आप टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद रोकने के लिए मजीद इकदाम करें। PTA की वकील जानसे मसूद ने कहा कि कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिनमें मखसूस चीज़ें ब्लॉक नहीं हो सकती, ऐसे साइट को मुकम्मल बंद हो जाना चाहिए।